क्लास इंटरमीडिएट। देखिए बेटा, कल हमने मैंने बताया था कि आपकी बुक भी पढ़ेंगे, कोर्स भी कराएंगे। तो कोर्स कल अंतिम जिमनी मैंने भेजी थी गद की, टोटल 13 जिमनी है, वो आपकी मैंने कंप्लीट करा दी है। और आज से शुरू कर देंगे ग्रामर, जो ग्रामर बची है एक एक ग्रामर। कुछ बच्चे कह रहे थे कि एक दिन छुट्टी करा दो। अरे छुट्टी क्या, थोड़ा काम देते हैं, काम करते रहो भाई, ये तो लाइव क्लास है, ये तो आपने पढ़ा पढ़ा के शांत हो गए, अब करने देना चाहिए। तो एक चीज देते जाएंगे तो कोर्स आपका पूरा हो जाएगा। तो आज से ग्रामर देना शुरू करेंगे, ग्रामर देते रहेंगे, ग्रामर पूरी हो जाएगी, फिर ऐसे से काम करा देंगे। तो देखो बेटा, इस समय उसी कहते से उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान पाई जिसको। ये श्री राम कह रहे हैं, कहते हैं उसके आशय, आशय का मतलब भाव अर्थ। चलो कहते हैं भाई इस बात का क्या आशय है, तुम्हारे कहने का क्या आशय है, नहीं बात व्यवहारिक भाषा में जो आप लोग बात करते हो, कहते तो इस बात का भाई आशय क्या है, तो आशय मतलब भाव उसका तत्व। तो कह रहे हैं उसके आशय की था मिलेगी किसको, यानी भारत के आशय की था, जैसे लंबाई लंबाई जैसे गहराई नापी जाती है जल की, था कहते हैं कितनी था बतानी है, कितना था है, कितनी गहराई जल की कहता है। तो कहते हैं भारत के आशय की था संसार में किसी को नहीं मिल पाएगी। भारत के अंदर क्या भाव है, भारत के अंदर क्या भ्रातृत्व स्नेह है, उसकी था उसकी गहराई संसार में कोई नहीं जान सकता। ये राम जी का कहना है अपने भाई के प्रति। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, कर जिस तेरी माँ ने जिस अपने पुत्र को जन्म दिया वो तक अपने पुत्र के गहराई नहीं जान पाई, अपने पुत्र के मन के विचार नहीं जान पाई। अब देखो आप प्रश्न चेंज हो गया बेटा, आप कहते ही कह रहे हैं पहले राम ने कहा ये सच है, तो अब लाओ चलो तुम घर को चौके से चौकर कर कहके ही सको, कहके कह रहे हैं हे राम अगर ये जो तुम कह रहे हो अगर ये सच है तो भैया मैं निवेदन करती हूँ, अनुग्रह करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि ये सच है भारत के विषय में, तो आप तुम वापस अयोध्या लौट चलो, मैं तुमको लेने आई हूँ। चौके से चौकर करके ईश्वर को जब कैकेयी ने यह शब्द कहा राम से कि घर चलो, जिसने घर से बाहर निकाला वही व्यक्ति तो कह रहा कि घर चलो, ये सुनकर जो सभा थी वो चौंक पड़ी, अचानक चौंक गई, चौंक पड़े अटल कहके ईश्वर को कि कैकेयी के स्वर तो अटल रहते थे, अटल रहने करने वाले, उसने जो कह दिया सब कह दिया, उसने जो दो वचन मांगे थे उसमें आ गई, नहीं मानी सबने समझाया, तो आज कहीं में कैसा परिवर्तन आ गया। ये चीज सुनकर समझ समझो चौक गए, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव तो सारा बता यथार्थ देखा, सभी लोग रानी की ओर अचानक देखने लगे, बड़ी कौतूहलता से देखने लगे, अपना दृश्य देखने लगे रानी को अचानक। और रानी की स्थिति क्या थी, वैधव्य, वैधव्य माने होता है विधवा, जिस स्त्री का पति समाप्त हो जाता है मर जाता है विधवा, और तुषारा माने होता है पाले से ढकी हुई, विधवा के वेश में पाले से ढकी हुई, यथा माने जैसे विधरेखा माने चंद्रमा की किरणें, माने जब कैकेयी की ओर देखा तो कैकेयी विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और पाले से ढकी हुई जैसे चंद्रमा की किरणें उसके समान लग रही थी, बैठी थी अचल तथा दर्शन तरंगा, वो एक स्थान पर शांत पूर्वक स्थिर भाव में बैठी थी, लेकिन उसके मन में असंख्य तरंगा, न जाने कितनी तरंगें, कितने विचार, कितनी भावनाएं उठ रही थी।
सिंगी अभी हा मोमुखी गंगा, वो अभी एक शेरनी के समान सिंगनी के समान सो रही थी। हा हा, ये उद्बोधन है कि अरे अब वो सिंगनी के समान बैठ हुई थी, लेकिन अब परिवर्तन हो गया था। गोमुखी गंगा, उसके मुख से जो स्वर निकल रहा था वो गोमुखी गंगा के समान, पवित्र गंगा के समान, जैसे गाय के मुख से निकला हुआ शब्द ऐसा हो गया था। कहाँ वो कह कही थी? जब अयोध्या में लाया दशरथ ने, या अयोध्या ने बहुत समझाया कि राम भरत को राज गद्दी मांग लो, लेकिन राम का 14 वर्ष का वरदान न मांगो, लेकिन कैकेयी नहीं मानी थी, कठोर शब्द थे। लेकिन आज वो इस कैकेयी में कितना परिवर्तन हो गया, वो आज बोल रही है तो लगता है जैसे गोमुखी गंगा के समान उसका स्वर दिखाई दे रहे हैं। ठीक बेटा, याद हो गया। थैंक यू।